हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश बाली है डिजिटल स्पॉट से। जब हम नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो कितने एक्साइटेड होते हैं और हमें काम करने में कितना मज़ा आ रहा होता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। फाइल्स खुलने में टाइम लग रहा होता है और कंप्यूटर को बूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनको कर लेने के बाद आपका विंडोज 10 का सिस्टम चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस सिस्टम की इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सिस्टम जब भी बूट होता है तो कुछ एप्लीकेशंस बाय डिफॉल्ट स्टार्टअप के अंदर आ जाती हैं। वहां उन्हीं एप्लीकेशंस को रखिए जिनकी आपको बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। टास्क मैनेजर में पहुंचने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का की दबा दीजिए शॉर्टकट, या फिर टास्क बार से राइट क्लिक करिए और टास्क मैनेजर में जाइए। यहां पर आपको स्टार्टअप टैब दिखेगा। जिन एप्लीकेशंस को आपको जरूरत नहीं है स्टार्टअप के अंदर, फॉर एग्जांपल यूएस यूटिलिटी, तो राइट क्लिक करिए और डिसेबल कर दीजिए। ऐसा करके स्टार्टअप एप्लीकेशन से जितनी ज्यादा आप एप्लीकेशंस हटाएंगे उतना ज्यादा आपकी बूटिंग सिस्टम की फास्ट और बेहतर होगी। जिन एप्लीकेशंस की हमें सिस्टम में ज़रूरत नहीं है और हमारे सिस्टम में पड़ी हुई हैं, उनको हमें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। कंट्रोल पैनल में जाकर स्टार्ट पे राइट क्लिक करिए कंट्रोल पैनल, और यहाँ आपको दिखाई देगा प्रोग्राम्स एंड फीचर। कंट्रोल पैनल के अंदर राइट क्लिक करिए एप्लीकेशंस पे, फॉर एग्जांपल बर्नआउट पैराडाइज की मुझे ज़रूरत नहीं है तो अनइंस्टॉल। कुछ एप्लीकेशंस अनइंस्टॉलेशन के बाद रीस्टार्ट मांग सकती हैं सिस्टम का, विच इज फाइन। सुनने में नॉट नीडेड एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करना काफी बेसिक और सिंपल स्टेप लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, काफी बार दो दो साल से लोग ऐसी एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर में रखते हैं जिसका कभी उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया होता, एक आध बार इस्तेमाल किया होता है। तो उनको प्लीज हटा दीजिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। काफी बार होता है हमें मालूम चलता है कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन मिसबिहेव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ऑडियो काम नहीं कर रहा या फिर इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में आप विंडोज की ट्रबल शूट हेल्प ले सकते हैं। तो आप सर्च बॉक्स में डालिए ट्रबल शूटिंग और क्लिक कर दीजिए। डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम कहां पर है, अगर नेटवर्क एंड इंटरनेट पे दिक्कत है तो कनेक्ट टू इंटरनेट करिए और नेक्स्ट टेक्स्ट करके तीन चार बार आप स्टेप्स को परफॉर्म करिए। वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से आपकी ड्राइवर्स को फिक्स कर देगा, या जो भी दिक्कत है वो फाइल डाउनलोड करके उस प्रॉब्लम को क्लोज कर देगा। ऐसा करने से भी वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती तो बेस्ट थिंग टू डू इज uninstall the application which is bothering you and maybe you can reinstall the same. System से applications को uninstall कर देने से सारी files delete नहीं होती, ये काफी tricky चीज है, कुछ files रह जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, this PC के through Windows Explorer में जाएंगे, C drive पे right click करके properties में जाएंगे और यहाँ जाकर हम disk cleanup करेंगे इस पर क्लिक करके। This may take few minutes. इन सारी फाइल्स को आप सिलेक्ट कर क्लीनअप सिस्टम फाइल पे क्लिक करिए। दिस क्लीनअप इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री इन सी ड्राइव, दिस मे टेक फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट। इन सारी फाइल्स को दोबारा सिलेक्ट करिए, मोर ऑप्शंस में जाइए और सिस्टम रेस्टोर एंड शेडो कॉपीज को क्लीनअप कर दीजिए। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट All but the most recent restore point, delete. Okay. Delete files. The disk cleanup utility is cleaning up all unnecessary files from your machine. Okay. अभी हम temporary files को delete करेंगे Windows की और R को press करके keyboard से, और यहां type करेंगे percent temp percent का sign temp temp और दोबारा परसेंट का साइन ओके। ये सारी टेम्पररी फाइल्स हैं जो पैरेलली विंडोज सिस्टम में खुलती रहती हैं, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती और ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। तो कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। एक आध फाइल रह जाएगी जो अभी काम कर रही है, कैमटेशिया रिकॉर्डिंग, बाकी सब डिलीट हो गई। यहां से क्लोज करके हम रिसाइक्लिंग बिन से इन सारी फाइल्स को क्लियर करेंगे सिलेक्ट करके कंट्रोल ए एंड डिलीट।
टेम्प्रेरी फाइल्स डिलीट करने के बाद हम दोबारा करेंगे विंडोज और आर कीबोर्ड से और यहां डालेंगे प्रीफेच। ओके, ये भी सारी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। स्किप, रिसाइक्लिंग बिन में जाकर जरूर इसको एम्प्टी कर लीजिए। अभी तक हमने जितने स्टेप्स फॉलो करे इनको वंस इन अ मंथ कर लेना चाहिए सिस्टम की परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए। विंडोज सिस्टम के अंदर एंटीवायरस एक ऐसी चीज है जो सिस्टम में हमेशा चलता रहता है, तो काफी सिंपल टिप है लेकिन अगेन हम इग्नोर कर देते हैं इसको। वो है कि अपने एंटीवायरस में जब भी आप इंस्टॉल करें तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करिए। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन किसी भी एंटीवायरस का और उसको इंस्टॉल करिए। आजकल जो नए एंटीवायरस आ रहे हैं उनके अंदर ईयर ऑफ मेक नहीं लिखा होता, वर्जन आता है, तो नेट से आप चेक कर लीजिए कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है उसको खरीदने से पहले। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ड्राइवर्स का अपडेट होना काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके लिए आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करिए, मैनेज पे जाइए, डिवाइस मैनेजर। ये कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर हैं जिसका भी आप अपडेट देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले अडैप्टर्स, तो राइट क्लिक करिए और अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर से एक बार चेक कर लीजिए कि ड्राइवर्स अपडेट है या नहीं। ये दो तरह से ड्राइवर अपडेट करता है, इंटरनेट से डाउनलोड करके या कंप्यूटर में ड्राइवर सॉफ्टवेयर सर्च करके। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करिए। हमारे पास विंडोज 10 के 3 कंप्यूटर्स हैं और तीनों में हमने ऑब्जर्व किया है कि ऑटो अपडेट की वजह से सीपीयू रहता है बिजी और उसके अंदर परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, तो तीनों में हमने ऑटो अपडेट्स को ऑफ कर दिया है और मंथ में एक बार या 20 दिन में एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कोई अपडेट तो नहीं आया हुआ। अपडेट्स को ऑफ करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करके आप कंट्रोल पैनल में जाइए, लार्ज आइकन सिलेक्ट कर लीजिए और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स सर्विसेज पे डबल क्लिक करिए और यहां पे W क्लिक करके विंडोज अपडेट देखिए, विंडोज अपडेट डबल क्लिक करिए। विंडोज सिस्टम कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है कि कोई अपडेट नहीं आया, यहां स्टॉप कर देने से वो चेक करना बंद कर देगा, तो यहां पर हम उसको डिसेबल करेंगे और रनिंग में स्टॉप कर दीजिए, अप्लाई एंड ओके। इंटरनेट ब्राउजिंग में अगर आपका सिस्टम स्लो परफॉर्म कर रहा है तो कैश और कुकीज तो आप डिलीट करिए ही करिए, उसके साथ आप अनवांटेड एक्सटेंशंस को भी डिलीट करिए। फॉर एग्जांपल क्रोम में इसको डिलीट करने का तरीका है, मेन्यू पे राइट क्लिक कर सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में ऊपर आपको एक्सटेंशंस दिखाई देंगी और यहां से देखिए कौन कौन सी एक्सटेंशंस आपके काम की नहीं है जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये ईमेल सिग्नेचर की हमें जरूरत नहीं है तो इसको अनचेक कर दीजिए और मैं तो सजेस्ट करूंगा इनफैक्ट मेरे केस में रिमूव भी कर दीजिए क्रोम से, सो दैट क्रोम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। सिमिलर स्टेप्स आप फायरफॉक्स या एज पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ओनली थिंग इज उसका यूजर इंटरफेस थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। अभी हम अपने सिस्टम का रेस्टोर पॉइंट को डिसेबल करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाके स्टार्ट पे राइट क्लिक करिए और वापस जाइए कंट्रोल पैनल, व्यू बाय आइकन्स को आप लार्ज रखिए और यहां से आप जाएंगे सिस्टम में, लेफ्ट हैंड साइड से सिस्टम प्रोटेक्शन। सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि रेस्टोर पॉइंट ऑन है, कॉन्फिगर पे क्लिक करिए और आप देखिए यहां पर टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन या डिसेबल सिस्टम प्रोटेक्शन। मैं इसको डिसेबल करने जा रहा हूं लेकिन आपकी चॉइस है आपको डिसेबल करना है कि नहीं करना, क्योंकि डिसेबल करने से सिस्टम लास्ट रेस्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं करेगा, तो आप सिस्टम के टाइम मशीन में पुराने वर्जन पे जाना चाहते हैं कि सिस्टम कल कैसा था या परसों कैसा था, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन डिसेबल कर देने से बार बार वो रेस्टोर पॉइंट्स क्रिएट नहीं करेगा और सीपीयू के रिसोर्सेज वहां यूज नहीं होंगे, अप्लाई एंड ओके। ओके, नेक्स्ट चीज हम चेक करेंगे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, सी पे सिलेक्ट करिए, पहले हम इसको एनालाइज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस स्टेप को फॉलो करने से सिस्टम अपने स्पेस को रीएलोकेट कर देगा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर जिससे कि काम उसका ज्यादा स्मूथ हो सके, तो सी पे सिलेक्ट करके आप ऑप्टिमाइज कर दीजिए। मैं अभी इस स्टेप को परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि 1 to 1.5 hours ले जाएगा, तो सिंपल है, सिलेक्ट करिए और ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दीजिए। अब हमें क्लीन बूट कर लेना चाहिए जिसके लिए हम दोबारा करेंगे विंडोज एंड आर फ्रॉम द कीबोर्ड और यहां डालेंगे
msconfig, msconfig, ओके सर्विसेज टैब को क्लिक करेंगे। इन सारी एप्लीकेशंस को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पे क्लिक करिए, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन को छोड़कर सारी एप्लीकेशंस डिसेबल हो जाएं, डिसेबल ऑल। अप्लाई और ओके। इसके बाद सिस्टम हमसे रीस्टार्ट मांगेगा। ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लेने के बाद भी अगर आप विंडोज 10 की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप सिस्टम को रीसेट कर दीजिए, जिसके लिए सर्च बॉक्स में टाइप करिए रीसेट, रीसेट दिस पीसी। इस स्टेप को फॉलो करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिकवरी होनी चाहिए विंडोज की, नहीं है तो आप बना लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स का आप बैकअप जरूर ले लीजिए किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर। रीसेट दिस पीसी के अंदर बैकअप ले लेने के बाद और रिकवरी बनाने के बाद आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस ऑप्शन को यूज करिए, कीप माय फाइल्स। आगे का प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो बताइए इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके विंडोज 10 की परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। अगर आप किसी ऐसे स्टेप को जानते हैं जिसको करने के बाद परफॉर्मेंस और एनहांस हो सकती है, तो हमसे ज़रूर शेयर करिए। अगर अभी तक आपने डिजिटल स्पॉट को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाल बटन पे क्लिक करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।